कितनी कीमत लगा दी आपने? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए कीमत लगा दी, फिर भी नहीं देने को तैयार है? नहीं दे रहे हैं, 4 लाख देने को तैयार है इस गाड़ी की। हाँ, 4 लाख पूरे। 4 लाख फिर भी उनने मना कर दी? मना कर दिया गाड़ी। भाई चीज ही ऐसी है ना वो। हेलो एवरीवन, आज आपके सामने खड़ी है भाई यामा RD 350 टॉर्क इंडक्शन खड़ा है। और इस गाड़ी के बारे में बात करें तो भाई ये अपनी 1985 मॉडल है यामाहा RD 350। भाई इस गाड़ी में आपका 16 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। तो सबसे पहले आप आगे का लुक ले लो गाड़ी में। भाई कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई काम हुआ है, बस गाड़ी में जो है ना अलग से ये हॉर्न डले हुए हैं ओरिजिनल रूट्स कंपनी के। ये देखो पेयर डला हुआ है हॉर्न का। तो गाड़ी में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सबसे पहले आप गाड़ी का आगे का लुक देख लो। गाड़ी का नंबर की बात करें तो भोपाल पासिंग आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद आप साइड लुक ले सकते हो और इस साइड से भी देख सकते हो आप। फिर अपन पीछे की तरफ चलते हैं तो पीछे ऐसी लुक निकल के आती है अपनी RD 350 की। भाई जब इस गाड़ी की बात होती है ना तो भाई बुलेट बुलेट कुछ नहीं लगती है इसके सामने, पता है, क्योंकि ये बहुत पहले की राजा गाड़ी रही है अपने टाइम की। तो ये गाड़ी भाई अपनी 1985 मॉडल की। और उसके बाद अपन बात करें तो इसकी आपको की दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एस्कॉर्ट्स की ब्रांडिंग के साथ ऐसी ओरिजिनल की है ये गाड़ी के साथ की। ये देखो यहाँ पे आपको राजदूत की ब्रांडिंग मिलेगी, मेटल की है यहाँ आपकी की इंसर्ट होती है। और आपको इस गाड़ी में 200 तक की स्पीड मार्किंग देखने को मिलेगी, 10,000 तक का RPM मिलेगा। ओरिजिनल राजदूत के मीटर डला हुआ ये आप देख सकते हो, राजदूत की बैजिंग। की को अपन ऑन करते हैं तो देखो न्यूट्रल लाइट ऑन हो जाती है। तो ऐसा भाई इसका सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा आपको। और ये आपको यहाँ पे लाइट्स कंट्रोल मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। सब कुछ ओरिजिनल है भाई गाड़ी में, ऐसा कोई भी काम वगैरह नहीं हुआ है, ये देख सकते हो। ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगी। 16 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। 350 cc का इंजन मिलता है भाई, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है अपनी 40 BHP की, 39-40 BHP की, मोटा मोटा 40 BHP की पावर प्रोड्यूस करके देता है आपको ये। और 37 Nm का टॉर्क निकाल के देता है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात होती है 350 गाड़ी के लिए। बुलेट का भी बहुत कम होता है इसके मुकाबले। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे ना तो राजदूत की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और 2 सिलेंडर गाड़ी है भाई, ये सिंगल सिलेंडर नहीं आती है। ये देखो इस गाड़ी में आपको 2 हेड ब्लॉक देखने को मिलेंगे, 2 स्पार्क प्लग देखने को मिलेंगे, एक ये लगा एक उसके साइड में लगा है, और 2 कार्बोरेटर देखने को मिलेंगे भाई, जो कि इस गाड़ी की जान है। और इस गाड़ी की बात करें तो भाई ये आपको टॉप स्पीड निकाल के देती है 170 किलोमीटर पर आवर की, मतलब 170 किलोमीटर आराम से पहुंच जाती है, 7 सेकंड में 100 किलोमीटर क्रॉस कर देती है। यहाँ इस गाड़ी का आपको टूटी कैन मिलेगा, जहाँ से टूटी ऑयल डालोगे, क्योंकि भाई ये गाड़ी 2 स्ट्रोक है अपनी। ओरिजिनल हेडलैम्प है गाड़ी में, ओरिजिनल इंडिकेटर से आप देख सकते हो। ये अपना स्पीडोमीटर है, ये RPM मीटर है। ट्विन सिलेंडर गाड़ी है। और फिर अपन पीछे आते हैं तो ये ऐसी आपको इसकी हेडलैम्प देखने को, अपनी टेल लाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। गाड़ी की नंबर प्लेट भोपाल पासिंग जैसे मैंने बताई दिया। ये देख सकते हो ओरिजिनल राजदूत के मड फ्लेयर्स भी लगे हुए हैं गाड़ी में, ये रियर वाला और ये फ्रंट वाला, दोनों अपने राजदूत के मड फ्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 कार्बोरेटर देखने को मिलेंगे, मैं उस साइड से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो एक ये रहा एक उस साइड, 2 कार्बोरेटर, 2 हेड, 2 स्पार्क प्लग आपको लगे मिलेंगे, क्योंकि तो भाई 2 सिलेंडर अपनी गाड़ी है। 350 टॉर्क इंडक्शन की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको किक मिल जाएगा। उसके बाद भाई 2 लीटर इसमें इंजन ऑयल डलता है, 16 लीटर पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है, और 35 का आपको इसमें माइलेज देखने को मिलेगा। और इसकी टॉप स्पीड की बात कर ले तो भाई ये जाती है अपनी 170 किलोमीटर आराम से चली जाती है। इसके चेन्स पॉकेट वगैरह भी आप देख सकते हो, मतलब गाड़ी का ना बहुत हैवी है भाई, लुक में भी अच्छी हैवी दिख रही है और हैवी भाई, सच में हैवी, भारी भरकम गाड़ी। यामाहा का ओरिजिनल सीट कवर भी डला हुआ है गाड़ी में। और ये इंडिकेटर्स ना ये सब गाड़ी के साथ के हैं, ये आप देख सकते हो ना,
कितने मजबूत इंडिकेटर्स डले हुए हैं, और ये डबल साइलेंसर में आती है, ये देख सकते हो ओरिजिनल साइलेंसर है आपको गाड़ी के साथ के लगे हुए हैं। ये 1985 मॉडल है, और उस वक्त की बात करें ना जिस वक्त ये RD 350 आती थी तो ये करीब करीब 30,000 रुपये में आपको मिल जाया करती थी, लेकिन आज की कीमत की बात करें ना 2024 में तो इस गाड़ी की भाई कीमत अपने 5 लाख के ऊपर है। भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, 5 लाख के ऊपर इस गाड़ी की कीमत भोपाल में। पहले तो भाई जब ये निकली थी तो 30,000 प्राइस रेंज में निकली थी, लेकिन 5 लाख है भाई आज के ज़माने में कीमत 350 cc की। तो ये भाई देखो अपने यूपी बरेली से आए हो है ना इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए, लेकिन फिर भी ये गाड़ी अपनी सेल के लिए नहीं है, ये तो मैं जनरल इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ। ये जो भाई है ना अपनी ये वाली गाड़ी के लिए आए, ये जो RX 100 खड़ी है ना 135 है ये अपनी, इसकी वीडियो आप देख चुके अपने चैनल पे। ये देखो जो यूपी के लिए तैयार हुई थी, इस गाड़ी की डिलीवरी आज ये भैया लेके जाएंगे, इस गाड़ी की भी बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये गाड़ी अपनी सेल के लिए नहीं है, इसकी तो मैं भाई जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा था। कीमत भी उनने कितनी कीमत लगा दी आपने, 4 लाख रुपए कीमत लगा दी, फिर भी नहीं देने को तैयार है, नहीं दे रहे हैं। हाँ भाई बहुत कीमत है, ऐसी गाड़ी मिलती नहीं है ना। तो भाई भाई को बोले हम 4 लाख देने को तैयार है इस गाड़ी की। हाँ 4 लाख पूरे 4 लाख, फिर भी उनने मना कर दी, मना कर दिया गाड़ी भाई, चीज ही ऐसी है ना वो। तो ये देख सकते हो भाई ऐसी गाड़ी ना, मतलब 4 लाख रुपए कीमत लगा दी भैया ने, जैसा कि वो बता रहे, फिर भी नहीं है देने को तैयार। हाँ तो बताना भाई आपको गाड़ी कैसी लग रही है, और भाई इस बहुत अच्छी गाड़ी लग रही है, पसंद आ गई। हाँ कोई नहीं देता ऐसी गाड़ी, पता है बहुत प्यारी का। तो देख सकते हो आपने तारीफ खुद ही सुन ली, सामने बैठे हैं अपने कस्टमर। और ब्रेक की बात करें तो भाई दोनों ड्रम ब्रेक आते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं है, इसीलिए इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया गया था, क्योंकि गाड़ी पिकअप और टॉप स्पीड में तो अच्छी थी, लेकिन ब्रेकिंग के मामले में ये फेल हो जाती थी, डेथ मशीन भी कहते हैं इस गाड़ी को। तो बताना भाई आपको गाड़ी कैसी लग रही है, और वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। साउंड भी मैं सुनवा दूंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में, आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, बताना कमेंट करना भाई गाड़ी कैसी लग रही है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।